देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। वैसे तो इंडिया में हर पार्टी का एक स्टार प्रचारक हर क्षेत्र में मिल जाएगा, पर हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार प्रचारक की जो कि समाजवादी पार्टी के लिए छोटे कद के बड़े नेता कहे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली के रहने वाले प्रमोद यादव की, जिनकी अदायगी के कायल खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं। प्रत्येक पार्टी चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। ऐसे ही स्टार प्रचारक हैं प्रमोद यादव। समाजवादी पार्टी की प्रत्येक बड़ी आम सभा में अक्सर पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचते हैं प्रमोद यादव। छोटे कद के बड़े नेता प्रमोद यादव की हाइट 3 फीट 8 इंच है, लेकिन जब वह बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे वक्ताओं को मात दे देते हैं। जब भी बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी की जनसभाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री की ओर से उनका विशेष निमंत्रण होता है। प्रमोद यादव बरेली कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट के साथ LLB हैं। प्रमोद यादव वर्तमान में कुशल अधिवक्ता होने के साथ साथ वकीलों के संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं। प्रमोद यादव ने समय जगत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वह समाजवादी पार्टी के लिए कई जगह पर सभा करने के साथ साथ पार्टी के प्रचार के लिए दिन रात लगे रहते हैं। प्रमोद यादव जहां भी जाते हैं लोग बड़ी संख्या में उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को सुनने आते हैं। 4 फुट के स्टार प्रचारक की एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने कसम खाई है कि अखिलेश यादव की सेवा के लिए वे कभी शादी नहीं करेंगे। वह कहते हैं कि उनकी शादी तो समाजवादी पार्टी से हो चुकी है। 44 साल के प्रमोद ने पिछले एक दशक में पार्टी के लिए कई बार प्रचार किया है। प्रमोद कहते हैं कि उन्हें अखिलेश का ब्लू आइड बॉय यानी सबसे पसंदीदा बॉय कहा जाता है। प्रमोद की हाइट 4 फुट से भी कम है। 3 फुट 8 इंच के प्रमोद अखिलेश के हर कार्यक्रम का आकर्षण के बिंदु बने रहते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव सीएम रहते भी मीडिया अकाउंट पर प्रमोद की तस्वीरें शेयर करते रहते थे। प्रमोद का कहना है कि पार्टी में इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उनका छोटा कद उनकी सफलता में बहुत मददगार साबित हुआ है। प्रमोद बताते हैं कि 2003 में पहली बार उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी। उस वक्त उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। इसके बाद प्रमोद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रमोद ने पूरे प्रदेश से लेकर देश में कई जगह पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार किया है। प्रमोद के विरोधी उनके छोटे कद को उनकी सफलता का कारण बताते हैं। हालांकि इस धारणा को प्रमोद ने गलत बताया है। एक सामान्य इंसान का कदम उनके 4 कदमों के बराबर होता है, लेकिन जब बात पार्टी के प्रचार की होती है तो वह सामान्य आदमी से ज़्यादा चलने की बात करते हैं। और उनका कहना है कि जब तक उनकी सांस में सांस रहेगी वे इसी तरह पार्टी का प्रचार करते रहेंगे। सवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। बल्कि सवाल नहीं, मेरे शर्मा जी के पास में 2000 का नोट पड़ा हुआ है, क्या आप वो खुला हुआ भी दे सकते हैं? मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा। मेरा एक सवाल आपसे है, आपकी उम्र क्या है? अगर दो, एक मिनट, आप
अब इसका छोड़िए, अगर 2000 का नोट आप अभी दे दें तो उसका तमाचे का जवाब सीधा आपके मुख्यमंत्री उन पर जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया, ये कहते हुए नहीं थकते थे, वो कहते थे मुझे गंगा मैया ने बुलाया, ये कहते हुए नहीं अघाते थे मैं ये, और वो आज वो प्रधानमंत्री अगर बने हैं और वो गंगा मैया पोस रही है कि गंगा मैया परेशान है, गंगा मैया परेशान है मोदी के नाम पर, गंगा मैया तो पोस रही है समाजवादी पार्टी को। अच्छा क्या उम्र क्या है आपकी, मेरा सवाल है आपसे ये। मैं 44 इयर्स ओल्ड हूँ और अधिवक्ता सभा का मैं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव। चलिए प्रमोद यादव जी देखने में छोटे हैं लेकिन सवाल बहुत बड़ा किया उन्होंने, 2000 का नोट इनके पास है, खुले दे सकते हैं क्या? हम तो चेक खुले दे सकते हैं क्या? अरे नहीं खुले दे सकते हैं क्या? खुले दे सकते हैं, ऐसा है मैं तो दे दीजिए ना, दे दीजिए, लाइए 2000 का नोट, सुनिए लाइए 2000 का नोट, मैं इन्हें अभी चेक खुले हैं, मैं 2000 का नोट ला देता हूँ, खुले दे दीजिए, चेक बुक लेके चलता हूँ अभी, इन्हें चेक दे सकता हूँ। अच्छा वो कह रहे हैं चेक दे सकता हूँ, चले ठीक है, इनके पास 2000 के खुले नहीं है, खुले नहीं है, खुले नहीं है, खुले नहीं है, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए लाइए लाइए, अभी मेरा हो गया, ये 2000 के खुले दे दीजिए, ये कैसे खुले दे दीजिए, ये 2000 के नोट की जहाँ तक बात है, देखिए मैं यहाँ नोट लेके नहीं आया, मैं पर्स लेके नहीं चलता हूँ, ये कह रहे मैं बटुआ लेके नहीं चलता, मैं पर्स, चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये थी अब तक की छोटे कद के बड़े नेता प्रमोद यादव की कहानी, अब आइए जानते हैं उनसे उनकी पूरी कहानी उनकी ही जुबानी। नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो अखिलेश यादव के काफी बड़े फैंस हैं, उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी आप इनको कह सकते हैं। इनका कद जरूर बहुत छोटा है देखने में, पर इनकी बातें और इनकी सोच बहुत ही बड़ी है। मेरे बगल में खड़े हुए एक जनाब को देखिए जो पूरी तरीके से नेताजी के लिबास में हमको दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की टोपी भी इन्होंने लगाई हुई है। अब हम इनसे जान लेते हैं कि ये कहां से आए हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव एडवोकेट। काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी यहां पर लग रही है, एक सफेद कुर्ता पजामा और लाल टोपी लगाए हुए आप यहां पर काफी देर से घूम रहे हैं, तो क्या क्या देखने आए आज यहाँ, क्या करने आए? अखिलेश जी आए आज यहाँ? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही देखने आया हूँ, मुझे पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे जी। तो उनको देखने आया हूँ और 16 साल से मैं पार्टी में हूँ, तमाम जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट होती है और वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। छोटा कद है आपका, बहुत छोटे से दिखते हैं, कभी नेताजी ने आपको देखकर बुलाया आपसे बात करने की कोशिश की? नेताजी ने भी बुलाया मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रेम करते हैं, वही तो मैं आपसे नाम से जानते हैं आपको, नाम से। अब मैं आपको क्या बताऊं, बताइए ना, 16 साल हो गए तो 16 साल से वो मुझे नाम से नहीं जानेंगे। मतलब आप कभी उनके साथ कोई ऐसा पल वाकया जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो उनके साथ का? देखिए पल और वाकया जो ऐसा है, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ चला था तो मैंने उनका स्वागत किया था अपने बरेली में, उनका स्वागत किया था, उससे पहले वो मुझे जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में आज वहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, उनके साथ आप भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देश में अभी यूपी में तो आपकी सरकार नहीं है, भाजपा ने वहाँ पर सरकार बना ली है, मध्य प्रदेश में पहले से भाजपा की सरकार है, तो अब क्या यहाँ पर क्या रणनीति है आपकी? उनकी उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 2019 में मेरा काम नहीं रिपोर्ट कार्ड देखना, वो रिपोर्ट कार्ड कह रहा मैं 2019 में तैयार करके लाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता ने तैयार कर लिया है और कुछ लोग ग्रेस होके पास हो जाते हैं, लेकिन मोदी को ग्रेस भी नहीं मिलेगा और जनता जो है रिपोर्ट कार्ड में उनको फेल साबित कर चुकी है। आप कद में काफी छोटे दिख रहे हैं पर बातों में कहीं से भी आपको कोई कम नहीं आ सकता, आपकी बातें एक बड़े बड़े नेता की तरह और एक बहुत ही सदी हुई शब्दावली का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक की पढ़ाई की और क्या पेशा है आपका? मैं MA LLB हूँ, एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ
और जिस तरीके से आंसू और सागर, आंसू को चखेंगे और सागर को चखेंगे, दोनों पे एक ही स्वाद होंगे। वो एक कहावत है कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, हूँ मैं आंसू एक और सागर जैसा स्वाद है, जरा चक्कर। बहुत ही शानदार, यहाँ पर लोगों ने भी आपके लिए तालियां बजाई हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको देखकर लोग एकाएक रुक जाते होंगे, आपसे बात करने का मन होता होगा। क्या लगता है कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं आप? लाइफस्टाइल जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में मैं रहता हूँ। तालियां की बात कह रहे हैं तो जब मंच पर जब मौका मिलता है तो जिस तरीके से यहाँ पर तालियां मिली हैं उसी तरीके से हर जिले में और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोग मुझे इतना ही प्रेम देते हैं। तो हम मान लें कि अखिलेश जी के सबसे खास व्यक्ति से हमारी बात हो रही है। ये तो मैं मुझे गर्व है कि मैं उनका खास हूँ। तो ये थे हमारे साथ एक छोटे कद के, जिन्होंने नेता हैं ये और ये वकील भी हैं पैसे से, इन्होंने हमको यहाँ पर बताया कि ये कितने बड़े प्रशंसक अखिलेश जी के हैं और पिछले 16 साल से राजनीति कर रहे हैं। और नेताजी से लेकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेता इनके मुरीद भी हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।